अनुच्छेद 370 के बाद प्रधानमंत्री को हटाने के बाद आज वो पहली बार कश्मीर दौरे पर हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करते हुए भी नजर आए। पीएम मोदी ने रैली के दौरान 6400 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे, और एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ नहीं ले पाते थे, और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए योजनाओं का आरंभ हुआ है। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक क्षेत्र नहीं है ये, जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है, और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। साथियों, एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था, और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ है। आज श्रीनगर जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के लिए पर्यटन की नई पहल कर रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 50 से ज्यादा और शहरों से भी हमारे साथ लोग अभी जुड़े हुए हैं। देश भी आज श्रीनगर से जुड़ा हुआ है। आज यहां से स्वदेश दर्शन योजना के तहत 6 परियोजनाएं देश को समर्पित की गई है। इसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम के अगले चरण का भी शुभारंभ हुआ है। इसके तहत भी जम्मू कश्मीर समेत देश के अन्य स्थानों के लिए करीब 30 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। आज प्रसाद योजना के तहत 3 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, 14 और परियोजनाओं को भी लॉन्च किया गया। पवित्र हजरत बल दरगाह में लोगों की सहूलियत के लिए जो विकास कार्य हो रहे थे वो भी पूरे हो चुके हैं। सरकार ने 40 से ज्यादा ऐसी जगहों की पहचान भी की है जिन्हें अगले 2 वर्ष में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। आज देखो अपना देश पीपल्स चॉइस अभियान भी लॉन्च किया गया है। इसे एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है, और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। ये जन भागीदारी से निर्णय होगा। आज से प्रवासी भारतीयों को जो दुनिया में रहते हैं ना, क्योंकि मेरा उनसे आग्रह है कि आप डॉलर पाउंड लाओ या ना लाओ लेकिन कम से कम 5 परिवार जो बिन भारतीय हैं उनको हिंदुस्तान देखने के लिए भेजो। और इसलिए आज प्रवासी भारतीयों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके दोस्तों को प्रोत्साहित करना, और इसलिए चलो इंडिया अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत चलो इंडिया वेबसाइट के द्वारा
दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन योजनाओं और अभियानों का बहुत बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर के आप लोगों को मिलना ही मिलना है। और मैं तो आपको मालूम है एक और मकसद लेके काम कर रहा हूं। मैं जो भी टूरिस्ट इंडिया के भी निकलते हैं ना, उनको कहता हूं आप जाइए, लेकिन एक काम मेरा भी करिए। और मेरा क्या काम है, मैं उनको कहता हूं कि आप यात्रा का जो टोटल बजट होगा उसमें से कम 5-10% बजट आप जहां जाते हैं वहां से लोकल कोई न कोई चीजें खरीदे, ताकि वहां के लोगों को आय हो, उनका रोजगार बढ़े और तभी टूरिज्म बढ़ता है। सिर्फ आए देखे चले गए नहीं चलेगा, आपको 5-10% कुछ खरीदना चाहिए। आज मैंने भी खरीदा, श्रीनगर आए एक बढ़िया चीज देखी, मन कर गया मैंने भी ले लिया। और इसलिए मैं इसके साथ इकोनॉमी का बड़ा मजबूत बनाना चाहता हूं। साथियों, इन योजनाओं से यहां पर्यटन उद्योगों का भी विकास होगा, रोजगार के नए अवसर होंगे। मैं जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहनों को इन विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। और अब मैं एक नए क्षेत्र के लिए आपको आह्वान करता हूं, जैसे फिल्म शूटिंग के लिए ये क्षेत्र बड़ा पसंदीदा क्षेत्र रहा है। अब मेरा मिर्जा मिशन है वेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, मेड इन इंडिया। अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग, अब हमें मेड इन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए यहां आने का मन कर जाए और यहां के पर बुकिंग करे, यहां 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे, यहां के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, उस अभियान को भी मैं बल दे रहा हूं।